हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अपने चैनल अल्टीमेट वन पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो इस बात के रिगार्डिंग है कि आप लोग हिजामा कराने से पहले या हिजामा हो जाने के बाद कैसे रहेंगे, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने समय बाद क्या लेना है। तो दोस्तों, जब हिजामा कराने जाना है तो उससे कम 4 से 5 घंटे पहले ही आपको अपनी मील ले लेनी है, यानी कि कुछ खा लेना है अच्छे तरीके से। पेट भर के खाइए, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे पहले। और लिक्विड्स जो हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ है, जैसे कि जूस वगैरह हो गया, पानी हो गया, वो आपको रेगुलरली लेते रहना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिजामा आपका चल रहा है, आपको प्यास लग रही है, तब भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए आपका हिजामा हो जाता है। जब आप हिजामा करवाने के बाद में वापस लौट करके अपने घर जाएंगे या जहाँ कहीं भी आप ठहरे हुए हैं वहाँ जाएंगे, तो आपको कम से कम 24 घंटे तक बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में रहना है। आई मीन टू से, आपको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना। कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे कि एक वीडियो में आपको डॉक्टर साहब ने भी ये बताया कि जो अगर आप हैवी डोज लेते हैं, यानी कि खाने का, अगर आप हैवी खाना खाते हैं, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके सिर की तरफ जाने के बजाय आपके टमी की तरफ, यानी कि स्टमक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा गलत साबित होगा, क्योंकि उस समय जब वो हिजामा करा करके जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसको निकाला जाता है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एकदम ज़बरदस्त नए खून की। एकदम जो, जैसे हम लोग यंग होते हैं तो खूब तेज़ी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, स्फूर्ति होती है हमारे अंदर, तो वो जो ब्लड दौड़ रहा होता है नलियों में, हमारी हमारी नसों में, वो जो है वहाँ उन कैपिलरीज तक पहुँचता है बहुत तेज़ी से, उसको वैक्यूम को फिल करने के लिए या उस गैप को फिलअप करने के लिए। तो वो जो है एकदम नया का नया खून होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपने कुछ खाया पिया है। ठीक, तो वो उसका वहाँ तक पहुँचना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो है ज़्यादा हैवी डोज ना लें, या और दूसरा एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस आप लोग ना करें। ठीक है, और इसमें जब आप हिजामा कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है भारीपन महसूस होता है, बिकॉज सिर पर जो है वो कप्स लगे होते हैं जिनकी वजह से वैक्यूम हुआ रहता है वहाँ पर उस समय, है ना। तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है, वो सबके संग में होता है, ये ऐसा कोई भी नहीं है। थोड़ा सा हैवीनेस ही फील करना, थोड़ा सा स्लाइनेस यू नो काइंड ऑफ फील करना, और वॉमिट का सा भी कभी कभी बहुत से लोग होते हैं जिनकी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो थोड़ा सा वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ भी उनका मन जैसे हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं दोस्तों, और आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर आप हिजामा कराते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का कि हिजामा जो है एक सर्टिफाइड यूनानी डॉक्टर से ही कराएं। कहीं भी ऐसे ही जा करके किसी भी डॉक्टर, किसी भी ऐसा हिजामा एक्सपर्ट से आप हिजामा ना करा लें, क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत डेलिकेट होती है हमारी, और सर का जो स्काल्प है वहाँ पर कई सारी नसें हैं, कई सारी नर्व्स चल रही होती हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखें कि वो डैमेज ना हो जाए। इसलिए मैं आपको हर बार यही सलाह देता हूँ कि हमारा जो दिल्ली यूनानी हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर है, वहाँ पर सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कम से कम 4.5 साल की ट्रेनिंग यूनानी मेडिसिन एंड एक्सपर्टाइज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिसमें कि ये लोग जो सर्जरी वगैरह करते हैं, सर्जिकल जो इनके मोड्स हैं उसमें उन्होंने ली हुई है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही संचालित है, जो NIMS, आपने ऑब्वियसली सुना था, एक वीडियो में डॉक्टर साहब बता रहे थे आपको, तो वो NIMS से करके आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो इसके लिए काफ़ी जो है मतलब बहुत ही डेलिकेसी से वो इस काम को करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। और आपने ऑब्वियसली देखा भी था हमारे सेंटर पर, वहाँ जहाँ पर मैं खुद अपना हिजामा करा चुका हूँ, मुझे अभी महसूस होता है मेरे बाल आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब तो सिर पर जो है काफ़ी जो है काले काले से बाल दिखाई देने लगे हैं, पहले तो काफ़ी खाली खाली से लगता था सिर देखने में, है ना। तो बाल आएंगे, बाल ज़रूर आएंगे, और आप निश्चिंत रहिए। बस ये है कि थोड़ा सा हिजामा कराने से पहले और हिजामा कराने के बाद की जो मैंने आपको बातें बताई उनका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उन पर आप गौर करिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।